नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विपुल वैष्णव है और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग उदयपुर। विश्व रक्तदान दिवस के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज 14 जून के दिन 2005 में विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं रेड क्रॉस सोसाइटी ने विश्व रक्तदाता दिवस की शुरुआत की थी। आज विश्व रक्तदाता दिवस के दिन हम आपको रूबरू करा रहे हैं एक ऐसे संगठन से जो पिछले 10 वर्षों से रक्तदान की दुनिया में काम कर रहा है और उदयपुर में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रक्तदान से लोगों की मदद की है। नमस्ते सर, आपको ट्रेंडिंग उदयपुर में हार्दिक स्वागत है। आपका शुभ नाम बताएं। कपिल दया नाम है मेरा। कपिल जी, दया नाम है। कपिल जी, कितने समय से काम कर रहे हैं आप इसमें? सर, हम लोग पिछले 10 सालों से ये काम कर रहे हैं, 2012 से। ठीक है। हम 5 लोगों ने मिलकर इस संस्था की शुरुआत की थी, रक्तदाता युवा वाहिनी के नाम से। ठीक है, क्या क्या नाम है उन लोगों के? दिलीप साहू, कमलेश आचार्य, दिनेश सोनी, अर्पित कोठारी और एक पांच। तो अब तक कितने कैंप्स करवा चुके हो आप? अब तक अपन एक इस 10 सालों में 77 कैंप करवा चुके हैं। ठीक है। और इस कैंप में 10 सालों में कैंप जो 77 कैंप हुए हैं उनमें अपन ने 6885 यूनिट ब्लड कलेक्ट किया है। 6885। क्या मॉडल रहता है आपका इस काम के लिए? मतलब आपको अगर किसी कोई आपसे अगर जुड़ना चाहे और डोनेशन भी करना चाहे, किसी को ब्लड चाहिए तो कैसे जुड़ सकता है वो आपसे? इसमें जुड़ने का तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। अगर आप हमारे साथ गंदे से गंदा मिलाकर चलते हैं और हम जैसे काम करते हैं, जिस बेस पर काम करते हैं, हमारे पास जैसे किसी का कॉल आता है, आजकल सब जगह लोगों को नंबर प्रोवाइड हो ही जाता है, हर ब्लड बैंक में, हर संस्था, हर लोगों के पास हमारे नंबर रहते हैं। हमारे साथ कम से कम आज की तारीख में 5000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप कम 20 व्हाट्सएप ग्रुप बने, 20 से ज़्यादा, हर ग्रुप यानी कम्प्लीटली फुल है। अगर किसी को ऐड करना होता है तो पहले वाले को जो निष्क्रिय हैं उसको हमें करना पड़ता है। तो अब तो वैसे भी और क्षमता हो गई है व्हाट्सएप ग्रुप। तो आपका प्रोसीजर क्या रहता है इसके अंदर, लाइव डोनेशंस के बारे में कैसे क्या रहता है? लाइव डोनेशन तो ऐसे होता है कि अगर किसी को ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, ब्लड बैंक में ब्लड अवेलेबल नहीं है, वो ब्लड जो ब्लड ग्रुप चाहिए उनको, जैसे मान लिया ओ नेगेटिव किसी पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत है, ब्लड बैंक में कहीं पर भी ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव नहीं है, ठीक है, अब वो उसका अटेंडर जो इतना परेशान होता है, सब जगह घूमता रहता है, वैसे बेसिकली ज़्यादा परेशान वो लोग होते हैं, एक तो रेयर ग्रुप वाले, रेयर ग्रुप की जिसको रिक्वायरमेंट होती है, और सेकंड क्या है, जो बाहर के लोग होते हैं, जो उदयपुर से बाहर के लोग जो यहाँ इलाज के लिए आते हैं। उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल उदयपुर ही है अपना, तो यहाँ बहुत सारे ज़्यादा MP से लोग आते हैं, चित्तौड़ से आते हैं पेशेंट, तो वहाँ क्या है उन लोगों को बहुत परेशानी होती है, तो उनको क्या है हम लोग ब्लड डोनर अवेलेबल करवाते हैं। जैसे ओ नेगेटिव की रिक्वायरमेंट हुई तो हम लोग क्या है, हमारे पास डेटा रहता है, डेटा भी रहता है, और बहुत सारे लोग क्या आगे चलकर जुड़ते हैं हमसे, हमारे काम को देख के कि भैया मेरा ओ नेगेटिव है या ए नेगेटिव है या बी नेगेटिव, उनको खुद को पता है उनका रेयर ब्लड ग्रुप है, वो खुद बोलते हैं भैया अगर कभी हमारे लायक कोई सेवा हो तो हमें याद करो, हम आ जाएंगे जब भी, एनी टाइम। ऐसे काफ़ी अच्छे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी वजह से आज हमने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा किया। कैसे आप प्रेरित हुए थे इस काम को करने के लिए? प्रेरित बस लोगों की सेवा, लोग बाहर, हम ये चाहते थे कि हमारे उदयपुर में अगर कोई बाहर से आता है तो यही है, उदयपुर की बदनामी ना हो, और उदयपुर में कम से कम जो हमसे हो सकता है कि ब्लड की वजह से किसी की जान न जाए, बस इसी मॉडल पर हम लोगों ने काम चालू किया था और वो चल ही रहा है। 5 लोगों से चालू किया था, आज 5000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। एक मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि इस आपके इस काम को करने के लिए आप किन लोगों को आदर्श मानते हो अपने जीवन में? हमारे आदर्श तो क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह जी, चंद्रशेखर जी आज़ाद, राजगुरु जी, सुखदेव जी, यही लोग हैं हमारे आदर्श, बस इन्हीं के आइडल पर हम चलते हैं, इन्हीं को हम अपना गुरु मानते हैं, भगवान मानते हैं, देवता मानते हैं। आप बता रहे थे कि आप बड़े कैंप भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं, किन किन दिनों में वो कैंप ऑर्गेनाइज करवाते हैं आप? मेन यही सबसे बड़ा कैंप जो होता है हमारा रक्तदाता युवा वाहिनी का सबसे बड़ा कैंप होता है 23 मार्च शहीद दिवस पर, जिसमें भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी इस दिन शहीद हुए थे, तो सबसे बड़ा कैंप इनका हमारा यही होता है। फिर उसके बाद में हम जैसे क्रांतिकारी, जैसे भगत सिंह जी हैं और सुखदेव जी हैं, राजगुरु जी हैं, चंद्रशेखर जी, आज़ाद जी हैं, इनकी जन्मतिथि पर हम कैंप रखते हैं। तो साल में इनकी हर साल इनकी जन्मतिथि पर हम कैंप रखते हैं। अभी जुलाई में आने वाला चंद्रशेखर जी की जन्म जयंती, अभी कैंप है हमारा। ठीक है।
और फिर उसके बाद आगे आगे से आगे चलता रहता है वो, जैसे जैसे जिसकी जिस समय जो बर्थडे होता है, बर्थडे होती है उस हिसाब से चालू कर देते हैं। चलिए बढ़िया, तो आज का कोई विशेष कार्यक्रम? आज का वैसे विशेष कार्यक्रम तो नहीं है, क्योंकि अभी हमने 25 मार्च को ही कैंप लगाया था। अच्छा। और अभी वापस जुलाई में कैंप है हमारा, तो हमने क्या इस दिन हमने कोई कैंप नहीं रखा है। पिछली बार रखे थे जब कलेक्टर मैडम आनंद जी थी, तब उस समय उन्होंने करवाया था, 2 सालों से कंटिन्यू किया था और लॉकडाउन में कोई भी कैंप नहीं था। तो इस वर्ष आपके संगठन को करीबन 10 साल पूरे हो चुके हैं। लगभग 10 साल हो चुके हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। हमारे अगर कोई दर्शक आपसे आपके से जुड़ना चाहते हैं तो कोई नंबर वगैरह हो जो आप बताना चाहें जिससे हम आपसे जुड़ सकें, ऐसा कोई? बिल्कुल, हमारा सोशल मीडिया पर पेज है, फेसबुक इंस्टा सब पर रक्तदाता युवा वाहिनी, आप इसको लाइक करो, फॉलो करो और अपने नंबर शेयर कर दो, आप जुड़ सकते हैं हमारे। एक एचडीपी डोनेशन भी होता है, उस बारे में हमें जरूर बताएं। जी बिल्कुल, एचडीपी डोनेशन होता है, एचडीपी डोनेशन जरूरत कब पड़ती है, जैसे डेंगू होता है, अभी बारिश के मौसम के बाद में डेंगू महामारी आ जाएगी। अभी लास्ट ईयर ये समझो कि कोरोना से भी खतरनाक वाली घातक बीमारी हुई थी एचडीपी, लोग परेशान हो गए थे, ब्लड बैंक में ब्लड बहुत सारा इकट्ठा हो गया था, लेकिन ब्लड बैंक वालों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि हमें ब्लड नहीं लेना है, हमें सिर्फ डोनर एचडीपी डोनर चाहिए। क्यों? कि एचडीपी में क्या है कि डेंगू में होता है प्लेटलेट्स कम होती है अपनी, अब प्लेटलेट्स में क्या होती है सिंगल डोनर प्लेटलेट्स, तो उसमें क्या है जो डोनर होता है डोनर अपना ब्लड डोनेट नहीं करता है, वो उसमें से उसको प्लेटलेट्स डोनेट करना पड़ता है और ये प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है और इसको यानी कि यूँ कह सकते हैं कि एक कोई फास्ट वाला आदमी होता है, जैसे जो बिजी आदमी वो डोनेट नहीं कर पाता है। अच्छा। जिसको ब्लड डोनेट में क्या है 10-15 मिनट लगते हैं कि ब्लड डोनेट किया फ्री हो गए, और एचडीपी डोनेशन में कम से कम 5 घंटे आपका जाता है लेके चलो 5 घंटे, बाकी वो तो 3 घंटे भी लग जाते हैं, 4 घंटे भी लग जाते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। एचडीपी डोनेशन सबसे जटिल प्रक्रिया है, लेकिन हाँ ये लोगों की जान बचाने में बहुत फास्ट रिकवर करता है एचडीपी। अभी तक कितने लाइफ डोनेशन करा चुके हैं? एचडीपी हम लोगों ने अभी तक 229 डोनेशन करवाया, पिछले एक साल का आंकड़ा है 174 एचडीपी एक साल में, क्योंकि जागरूकता अब बढ़ी है एचडीपी में, पहले लोग समझते नहीं थे एचडीपी क्या होती है। अच्छा, एक आप मेरे को बता रहे थे लाइफ डोनेशन के बारे में, अब तक कितने टोटल लाइफ डोनेशन करवा चुके हैं? हम अब तक लाइफ डोनेशन करवा चुके हैं 950+950+ अब तक, क्योंकि हमने स्टार्टिंग भी लाइव डोनेशन से ही की थी। इस संस्था की हमारी जो रक्तदाता युवा वाहिनी जो गठित हुई थी वो लाइव डोनेशन से गठित हुई थी। आपका ट्रेनिंग लोगों जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने दोस्तों, विश्व रक्तदाता दिवस पे हमने बात की रक्तदाता युवा वाहिनी के पदाधिकारी से। ट्रेनिंग उदयपुर देखते रहिए, थैंक यू सो मच।